ओडिशा एफसी ने मिड सीजन में एक नया साइनिंग किया है प्रांजल भूमिज का, एंड प्रांजल भूमिज जो कि एक्चुअली मुंबई में थे उनका साइनिंग कंप्लीट किया है ओडिशा ने। फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है, एक साल का अभी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एंड क्लॉज में अगर ओडिशा चाहे तो एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट वो लोग ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करवा सकते। उसके लिए प्रांजल भूमिज का अलग से उनको कन्विंस करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑल्दो प्लेयर्स के साथ बात करके ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करवाया जाता है। एंड प्रांजल भूमिज नो डाउट एक बहुत ही मैं बोलूंगा अच्छा बैकअप साइनिंग है उड़ीसा के लिए। यंग प्लेयर है सिर्फ 24 एज इनका, एंड मुंबई में थे। अब मुंबई में इनको बहुत ज्यादा कुछ प्ले टाइम मिला भी नहीं था, मुंबई के लिए भी नया ही साइनिंग था। सो मैं बोलूंगा उड़ीसा में उनको वो एक्सपोजर मिल सकता है, लुबेरा लाइक यंग प्लेयर्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। सो नो डाउट एक अच्छा साइनिंग उड़ीसा के लिए, एंड लॉन्ग टर्म उतना भी ज्यादा नहीं, अभी के लिए तो 2 साल का ही हम लोग पकड़ के चलते हैं, बट फिर भी एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के इनका साइनिंग कंप्लीट किया गया। जैसे परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट इनका एक्सटेंड करवाया जाएगा। चलो बात कर लेते हैं हैदराबाद के बारे में। तो हितेश शर्मा जो नेक्स्ट मैच होने वाला है मुंबई के अगेंस्ट में, उसमें अवेलेबल नहीं होने वाला हैदराबाद के लिए, जो कि हैदराबाद के लिए ऑलरेडी बहुत टेंशन है क्योंकि टीम का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये एक और काफी टेंशन वाला बात है। ऑल्दो हितेश शर्मा को पता नहीं क्यों प्ले टाइम ऑफर किया जा नहीं रहा था हैदराबाद में, एंड अब वो इंजर्ड भी हो चुके हैं तो अनअवेलेबल है नेक्स्ट मैच के लिए, बट मोस्ट प्रोबेबली बोला जा रहा है कि नेक्स्ट मैच मतलब तो एक मैच के लिए वो अनअवेलेबल होने वाले, उसके बाद से वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। कि बिना हितेश शर्मा के परफॉर्मेंस कैसा रहता है हैदराबाद का, ऑल्दो उनके साथ भी कुछ परफॉर्मेंस ज्यादा खास था नहीं, और मुंबई के अगेंस्ट मैच है तो डिफिकल्ट तो फॉर श्योर होने वाला हैदराबाद के लिए।